पंचनामा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुमित हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस महीने का इस तिमाही का इस छमाही का फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ की ये आखिरी कारोबारी सत्र तो और एक जबरदस्त उछाल मार्केट्स में देखने को मिला एंटिसिपेटेड लाइन पे आरबीआई पॉलिसी 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और साथ-साथ स्टांस जो लेस अकोमोडेटिव स्टांस है वो मेंटेन रखा है जिसका एक इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स को यहाँ तक लेकर आई है शॉर्ट कवरिंग के दम पे इंडेक्स 17,200 तक ही जा सकता था क्योंकि 17,200 मेजर कॉल राइटिंग जोन था तो आज वही हुआ सत्रह के आसपास तक इंडेक्स पहुँच भी गया बाइंग है आज इंडेक्स में बहुत बढ़िया बाइंग थी लेकिन बैंक्स में बाइंग थी इसके अलावा सेलेक्टिव आई में बाइंग थी लेकिन मार्केट जो क्रूशली वॉच करेगा वो है मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ पे उतना स्ट्रॉग कन्विक्शन आज भी नहीं था बाइंग थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था तो थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच चल रही थी थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में प्ले आउट कर रही थी सीमेंट में इंडिया सीमेंट आज जोरदार तेजी में था न्यूज़ लोग का इम्पैक्ट था बाकी स्टॉक्स uh, के अंदर एन uh, में अच्छी खरीदारी थी बैंक्स में अच्छी खरीदारी थी सेलेक्टिव आई में खरीदारी देखने को मिल रही थी सेलेक्टिव सीमेंट में खरीदारी देखने को मिल रही थी ऐसे ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स या इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में आज बाइंग थी तो ये सब स्पेस में तेजी हाँ थी लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए एक बढ़िया दिन कह सकते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव अप मूव मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा क्रूशल ट्रिगर के तौर पे अब यहाँ से शुरू होंगे बढ़िया ट्रिगर मिसाल के तौर पर ऑटो सेल्स के नंबर मिसाल के तौर पर फर्स्ट वीक से ही अर्निंग्स आठ तारीख से अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी इसके अलावा फाइव का रोल आउट जो होने वाला है वो प्लस आ, अक्टूबर से फेस्टिवल क्योंकि अब यहाँ से सतमीं अष्टमी नौमी और उसके बाद तमाम त्यौहारों की सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा तो उसकी एक स्ट्रॉग डिमांड तो यहाँ से अब जो सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर साइड पर रहेगी और मानसून भी पूरी तरह से अब यहाँ से वेव ऑफ़ होगा यानी कि विड्रॉल होगा तो उसके बाद क्लियर नंबर की कितना मानसून का आंकड़ा अब तक देखने को मिला तो ऐसे बहुत सारे अच्छे ट्रिगर जो कि मार्केट में दिख रहे हैं हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है घरेलू हैं बाकी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर तो आते रहेंगे तो उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी सवाल जो आपका सिलसिला सीधे शुरू करता हूं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है वाला न्यू बाइंग विनोद जी का सवाल है विनोद जी वाला पे मैंने भी कुछ दिन पहले भी बात बोली थी आप खरीदारी कर सकते हैं एक इमीजिएट ट्रिगर्स में अवेटेड है जो कि इस हफ्ते आने वाला था नहीं आया अगले हफ्ते आ सकता है वो इमीजिएट ट्रिगर आते ही शेयर टूट जाएगा क्योंकि वो बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ हो जाएगा और रूमर्स पे ही ये चल रहा है ये बाइंग इसकी दो सौ तिरानवे रुपये से शुरू हुई है और आज तीन सौ सात रुपये तक ले गई है आज कोई झटका आपको दिख जाए आज नहीं कल परसों आज तो बंद हो गया बाजार लेकिन अगर कल परसों में कोई झटका नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लीजिएगा लेकिन वो नियर टर्म ट्रिगर रहेगा उस ट्रिगर की सिचुएशन के बाद या उस फैसले के बाद जो खबर आने वाली है उसके बाद ये ज़्यादा बेहतर पता चल पाएगा आपको कि क्या इसको लॉन्ग टर्म रखना है कि नहीं लेकिन सो फार आप उसको ले सकते हैं किसी भी गिरावट में और लंबी अवधि के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसी आंकड़े के हिसाब से ही आपको यहाँ कॉल लेनी होगी इंडिया क्या करें? शर्मा सर ये दोनों ही बहुत क्या uh, के तो सुनी है कई बार खुद और बहुत ही ऑप्टोमिस्टिक कमेंट्री देते हैं वो हर बारी एक दो चीजें हैं जो इससे अच्छी हैं एक दो चीजें बुरी हैं पहला तो लॉस मेकिंग कंपनी है दो लॉस हर क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो रहा है इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है इन्होंने अपने कैश से बहुत हद तक असेट्स बेच बेच के डेट को री इन्होंने पूरा किया है वो अच्छा पार्ट है और आकल फिनेंशियल इनका सबसे बढ़िया टाइप है जो कि इन्होंने हाथ हाल फिलहाल में किया है वो इनके नंबर्स को इम्प्रूव करेगा ये उम्मीद है रिसेंटली बढ़िया ऑर्डर भी इनको मिला तो सिचुएशन तो इंप्रूव हो रही है जब तक ये पूरा सुधरते तब तक आई टी बिकवा लिया गया तो और टूट गए तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आप इसको और दे सकते हैं अब यहाँ से बहुत कुछ खोने के लिए शायद नहीं दिख रहा है रही बात इंडिया बुल्स की इंडिया बुल्स को ईडी केस में तो थोड़ी सी क्लियर क्लीन चिट मिल गई लेकिन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी मिल जाए प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिले निकल जाए वो ज़्यादा बेटर रणनीति है इंडिया बुल्स वॉज अ रियल मेस क्योंकि वहां पर हर बार मैनेजमेंट चेंज होने के बावजूद भी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये एक थोड़ा कंसर्न है लेकिन अदरवाइज आपको कोई भी तेज़ी मिले तो वहां यही कॉल लीजिएगा मतलब बहुत सारे जानकारों ने बहुत लोगों ने बहुत बुलिश थे इसके ऊपर इसके असेट्स को लेके इनकी नए मैनेजमेंट को लेके लेकिन कोई फेर बदल के असर ही नहीं हुआ तो इसीलिए यहां तेजी मिले आप निकल जाए थ्री एफे में भी आप थोड़ा समय तो देख सकते हैं एटलीस्ट दोनों में अपना बुरा दौर तो देख ही लिया आपने तो अब इससे ज्यादा बुरा दौर क्या ही देखेंगे तो एटलीस्ट आप अभी तो बने रहें तेजी मिले निकल जाए विद नो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज टूडे वन शुड हैव बॉट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स और वेट फॉर मंडे अनिल सर ये आज आज कल परसों इसका मुझे हिसाब कभी समझ में नहीं आता कि आज लें कि कल लें क्या ही फर्क पड़ जाएगा आज और कल में दो रुपए का दस रुपए का बीस रुपए का पाँच रुपए का पचास रुपए का इससे क्या अंतर आ जाएगा इस तरह में आपका लॉन्ग टर्म विजन चेंज हो जाएगा क्या नहीं अगर आप मान लीजिए टी आज लेना चाह रहे हैं तीन रुपए में और टी ले रहे हैं उनतीस रुपए में या उनतीस रुपए में एक दिन के अंदर टी सी सौ रुपए नीचे आ जाएगा नहीं तीन परसेंट का फॉल्ट टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मंडे को आता हुआ अगर ऐसा हो रहा है तो वैसे ही बहुत ही मासिफ़ टर्न टर्म ऑयल आने वाला है बाजार में तीन परसेंट टी सी का गिरना मतलब समझते हैं आप तो ऐसी सिचुएशन रातों रात नहीं बदलती हैं और अगर गिर भी रहा है तो आज अगर आप टी शर्स ले रहे हैं तो कौन कह रहा है कि पूरा एक बार में टी शर्ट ले लीजिए कल ले लीजिएगा थोड़ा सा परसों ले लीजिएगा थोड़ा सा बाजार सर चलता रहेगा ये बहता जल है इसको आप रोक नहीं सकते हैं आपको उसका हिस्सा ही बनना पड़ेगा नदी में कभी आप रुक के उसका इंतजार नहीं करते ना कि वो रुकेगी तब आप नहाएंगे बह ही रहा है पानी आपको नहाना ही है उसमें तो आप दूर खड़े रहेंगे तो हमेशा ये सोचते रहेंगे कब लूँ वो कभी नहीं होता किसी एक दिन आपको लेना है उस दिन से आपका प्राइस डिसाइड होगा कि अब आज के नीचे लेना है कि आज के ऊपर जाकर भी लेना है तो अच्छी कंपनी है आपको लेना है तो आज और कल और परसों में बहुत फर्क अंतर नहीं आने वाला है और लॉन्ग टर्म में तो वैसे ही कितना अंतर आ जाएगा बीस तीस रुपए में तो आप पैसे कॉल ले सकते हैं मतलब ये इंडिविजुअल मेरा आ, है निफ्टी मेड अ बॉटम सेवन फोर्टी सेवन आई डाउट दास साहब लेकिन मतलब बहुत पहले जब किसी एक जानकार से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि निफ्टी का ऑन एन एवरेज हर साल का पंद्रह से बीस परसेंट रिटर्न आता है जो म्यूचुअल फंड भी मानते हैं बीस परसेंट मान लीजिए आप मोटा मोटा पिछले साल अट्ठावन परसेंट निफ्टी चला था ये पूरा साल हो गया अब तक तो चला नहीं आ, एक ही रेंज में घूम रहा है एवरेज कर ही देगा पिछले दो साल में अगर इस साल निफ्टी नहीं चलता बिल्कुल भी जीरो भी चल जाता है तो दो साल में हो गया ना पच्चीस तो ऐसे ही एवरेज होगा ऐसे ही एंड में निफ्टी को बीस ही रिटर्न देना है वो आप चाहे पिछले साल की तेजी देख लीजिए या साल की मंदी देख लीजिए तो वो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है रही बात नियर टर्म बॉटम की तो टेक्निकली जानकार मान रहे थे कि सोलह आसपास के आसपास से बाजार घूमेगा वो आज घूमा भी लेकिन ऊपर सत्रह दो के आसपास कॉल राइटर्स हैं तो ये भी एक कंसर्न है कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आया और अर्निंग सपोर्ट कर गई तो दिवाली अट्ठारह पाँच लेकिन अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं कर पाई नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज बने रहे तो सोलह दो सौ भी तेज़ी मंदी दोनों इंडेक्स में आ सकती है स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ को पकड़ते रहिए आराम आराम से माल भरते रहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है ओके एशियन पेंट कहाँ तक गिरेगा हर्ष था ये तो मतलब बड़ा ही क्रूशल है क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है अभी किसी पर्सों और किसी जानकार से बात हुई थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर कोई निफ्टी का स्टॉक सबसे पहले ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो एशियन पेंट्स होगा ऑब्वियस बात है क्योंकि बहुत टेलविंट ज़्यादा है हेडविंट्स है क्रूड नीचे है इनके लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न दूसरा डिमांड इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है फेस्टिवल की पेंट्स की डिमांड तो छोड़ ही दीजिए आप होम फर्निशिंग की डिमांड भी देखिए उसमें भी बिजनेस में डामिनेंट प्लेयर है अब तो वो प्लस जो बाकी प्लेयर्स का केपैक्स था वो भी अभी बैकफुट पे है अल्ट्राटेक ऑलरेडी बड़ा केपैक्स कर ही रहा है हायर डेट साइड पे अब कितना बड़ा केपैक्स कितनी कंपनियां कर पाती है उस पर भी डिपेंड करता है तो वो भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है सो फार तो सब चीज़ें इनके फेवर में ही हैं तो नीचे आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन मान लीजिए बहुत फॉल हुआ तो चार पाँच परसेंट इधर से इससे ज़्यादा क्या ही फॉलू हुआ इतनी बड़ी तेजी दिखाने का थोड़ा रेस्ट ले रहा है फिर वापस पुल बैक लेके स्ट्रेट अपनी रफ्तार पकड़ ही लेगा आज नहीं तो कल ग्रेन्यूल्स पे आप सर बने रहिए सुभाष सर क्योंकि आज सुबह गौरव इस्सा मौजूद थे उन्होंने बोला था कि इसमें 350 की कॉल पे उन्होंने बाय की रणनीति दी थी तो वो 350 की बाय करने की कॉल की रणनीति दे रहे हैं तो आप 345 पर हैं ऑलरेडी 48 चल रहा था उस समय तो इन द मनी होने का मतलब ये कॉल का क्योंकि प्रॉफिट तभी आएगा जब वो इन द मनी होगी और इन द मनी होने मतलब पचपन साठ तो मिल ही जाएगा तो आप आराम से बने रहिए ठीक है फार्मा ऑलरेडी बीट एंड डाउन है तो बहुत कुछ खोने के लिए या नहीं बने रहें वैसे भी फार्मा में ठीक ठाक कंपनी है ओके अदानी ग्रीन चौधरी सर uh, इस समूह की कंपनियों में एक ही टिप्पणी करूंगा कि मुनाफा मिलता रहता है लेते रहिए कैपिटल बचाइए किसी भी तरीके से अपना यहाँ पर एटलीस्ट इस ग्रुप में वैसे भी बचाना चाहिए लेकिन यहाँ पहली प्रायोरिटी में बचाइए क्योंकि uh, पैसा बनाने में दिक्कत नहीं है पैसा तो बन जाएगा इस ग्रुप के साथ लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये कब स्विंग करके उल्टा हो कुछ नहीं पता तो बेटर यही है कि यहाँ पर आप पैसा बन रहा है आपको तो निकाल लीजिए पैसा नहीं बनना तो बने ही रहेंगे तेज़ी मिले तो निकल जाए ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आप एंटर कर रहे हैं इतनी बड़ी तेज़ी पे नया ऑल टाइम हाई शेयर हिट कर रहे हैं और आप वहाँ पे एंटर कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे प्लेज हो रहे हैं स्टेक सेल हो रहे हैं सिचुएशन सो फार अभी तो सब सही लग रही है आगे का पता नहीं तो बेटर ये है कि आप पैसा मिलता रहे थोड़ा थोड़ा निकालते रहें कैपिटल प्रोटेक्ट कर लें एटलीस्ट ओके इंडिया बुल्स रियल स्टेट पर बात हो गई और क्या बचा बजाज फिनसर्व बेस्ट प्राइस हर्षद सर अभी इसमें कोई बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो एडजस्टमेंट हुआ है कॉपरेट एडजस्टमेंट के बाद शेयर आमतौर पर नीचे आता है टाटा स्टील एग्जाम्पल है ही आपके सामने आई है आई है बी है ऐसे बहुत सारे नाम गिनता ही चला जाऊंगा जहाँ पे बोनस प्लेट आते हैं और शेयर नीचे आता है उसके बाद ऑब्वियसली ऑब्वियस इक्विटी डाइल्यूशन होता है नए शेयर लोगों के हाथ में आते हैं जिन्होंने बोनस स्ट्रिपिंग के लिए या डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए शेयर उठाते हैं वो लोग भी निकलेंगे तो वो सबके निकलने का समय होता है ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो अभी रुक जाइए थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर कॉल रहेगी वहां पे एंटर करना बजाज फिनेंस में आप बने रहेंगे अगर आपके पास है तो लेकिन बजाज फिनसर्व में एटलीस्ट आप थोड़ा समय दे सकते हैं एंटर करने के लिए एस एंड पेज इंडस्ट्री दीक्षित सर दोनों ही कंपनियां बढ़िया है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आ, थोड़ा ज्यादा भागे हुए हैं मतलब मुझे तो पेज इंडस्ट्री का आई भी याद है दो में आया था शायद तीन सौ में इसका आई आया था और वो शेयर आज, आज आपकी स्क्रीन पर है पचास हजार रुपए के ऊपर लेकिन आ, आ, मतलब इनका बिजनेस उस समय से ही प्रॉमिसिंग लग रहा था आ, तो उसके बाद मूव आया ही है एक ही कैच है आ, कि एक तो डिविडेंड थोड़ा कम है भाव के हिसाब से दूसरा आ, जितना भी प्रमोटर का होल्डिंग है वो विद टाइम रिड्यूस हो रहा है ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है शेयर नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है फेस ऑफ इट तो अगर कभी नीचे के दाम पर प्रमोटर ऐड कर लेता तो इंटेंशन क्लियर है, कि वो माल बेच के नीचे कर रहे है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो कंसर्न रहेगा की मास्टर फ्रेंचाइजी है इंडिया में बांग्लादेश में फिलिपाइन का तो नंबर वन प्लेयर है तो इस तरह के मार्केट को यह होल्ड करते हैं और ना केवल जॉकी बल्कि स्पीडो जैसी कंपनी के भी मार्केट शेयर डॉमिनेंट प्लेयर है मतलब स्पीडो तो पूरा ही नहीं के पास है और मार्जिन भी ठीक है कॉटन के प्राइसेस भी नीचे आए तो इनके मार्जिन और बेटर हो ही जाने चाहिए तो मतलब टेक्सटाइल में बढ़िया नाम है अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो लेकिन बेटर ये कि नीचे मिल जाए ज़्यादा तो अच्छा है इससे के साथ साथ आप ए बी एफ आर एल को भी देख सकते हैं वो भी टेक्सटाइल में ख़राब नाम नहीं है बिरला ग्रुप ही कंपनी अच्छी कंपनी है और सिचुएशन बहुत बेटर हुई है पहले से वहाँ पर भी जिस होजरी बिजनेस में ये हैं उसी में वो भी उतरे हुए हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें बदल रही हैं तो एटलीस्ट उसको भी देख सकते हैं रही बात एस आर एफ के एस आर एफ ऑब्वियसली भरत ग्रुप भरत राम ग्रुप का कंपनी इतनी पुरानी कंपनी है आज की तो है नहीं <coughs> लेकिन अगेन एक स्प्लिट बोनस के बाद एडजस्ट हुआ है तो थोड़ा सा समय लग जाए नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर है केमिकल के वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में अगर आप शुमार करना चाहते हैं तो ये और दीपक नाइट्राइड जैसी ही कंपनी है दीपक नाइट्राइड एक बड़ा क्रूशल है लोग पूछ रहे थे सवाल पहले भी तो दीपक नाइट्राइड में एल ने काफ़ी स्टेक उठाया है हाल में और ये फॉल में उठाया है छब्बीस सौ अट्ठाईस सौ रुपये का शेयर टूट के दो हज़ार रुपये आ गया और वहाँ पर पोजिशन एड की गई एल आई की तरफ से तो ये अच्छा ट्रिगर है इसको आप काउंट कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ओके नायका शुड आई एवरेज नायका ऑन माई पोर्टफोलियो बिकॉज फेस्टिव सीजन इज कमिंग ऑन मंडे मैनेजमेंट में अनाउंस बोनस इशू एवरेज और एग्जिट दास सर ये थोड़ा ट्रिकी uh, सवाल है मतलब मेरे लिए तो अगर मेरे आप पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे अगर अभी बोनस आया अभी कंपनी का आईपीओ आया था तो अभी बोनस देने की क्या जरूरत है क्यों कंपनी बोनस दे रही है कि क्या उस समय उनको समझ में नहीं आ रही कि इतने नंबर ऑफ शेयर उन्हें रखने चाहिए या अभी याद आ गया कि उन्हें इतने नंबर ऑफ शेयर रखने हैं एक रुपए की ईपीएस थी बोनस देने के बाद वो तो पचास पैसे रह जाएगी हालांकि शेयर तो पंद्रह के मल्टीपल पर तब भी था आगे भी रहेगा लेकिन ईपीएस तो डायल्यूट हो गई ना आधी एक रुपए की ईपीएस को भी आप पचास पैसे कर रहे हो डायलूट करके तो मुझे इसका मतलब लॉजिक नहीं समझ में आया औचित्य नहीं समझ में आया यही से मदरसन में भी हो रहा है वहाँ पर भी लगातार बोनस पे बोनस डायल्यूशन डायल्यूशन डाइल्यूशन हो रहा है तो इतना इक्विटी डायल्यूशन करके मिले क्या लेकिन यहाँ तो मतलब मदरसन तो चलिए नाइनटीन से लिस्टेड है लेकिन ये तो अभी लिस्ट हुई है तो इसको इतनी जल्दी क्या थी बोनस देने की ये चीज़ थोड़ी मुझे स्केप्टिकल लग रही है तो बाकी आपकी कॉल है और फेस्टिव डिमांड के लिए अगर आप इन कैश ही करना चाहते हो तो मान्यवर ले लेते डब्लू ले लेते ले 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 वो ज़्यादा अच्छी आपको फेस्टिव डिमांड दिखा सकते थे क्योंकि उनमें तेज़ी आई भी इस चक्कर में मॉन्टिकालो ले लीजिए चलिए सर्दी आने वाली इसके हिसाब से अगर आप उसी ट्रिगर को ढूंढ रहे हैं तो या एक्चुअल ले लीजिए अगर आप कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं लेक उनके पास है आज भी नेस्ले ले लीजिए लॉरियल के मालिक है वो तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी लेकिन ये क्यों इसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ बाकी आप देख सकते हैं ओके आ, अदानी इंटरप्राइज नाइनटीन सेवेंटी बजाज फाइनेंस छप्पन सौ सर अदानी में एटलीस्ट हाफ़ तो आप कर ही सकते हैं डबल हो गया आपके पैसे तो आधा तो आप ले लीजिए कैपिटल निकल आएगा आपका बाकी फ्री के शेयर छोड़ दीजिए बजाज फाइनेंस के केस में आप एक चौथाई निकाल लीजिए वहाँ पर भी थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए बजाज कैपिटल के साथ आप बने रहिए कंपनी ख़राब नहीं है बजाज फाइनेंस में अभी भी गेम और बाकी है चौदह सौ रुपये गेंद आ रहा खाली लेकिन अदानी जो डबल हो गया तो एटलीस्ट अदानी में से हाफ निकल जाइए बजाज फाइनेंस आप पूरा भी होल्ड कर लेते तो इतनी इशू नहीं है लेकिन बेटर यही है कि बजाज पर ऐसा नीचे इनफैक्ट आपकी कॉस्ट के मिले तो आप ऐड भी कर सकते हैं लेकिन अदानी के में थोड़ा थोड़ा लेते रहिए ज़्यादा बेटर है बी में एस करते रहें क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये राकेश सर बहुत तेजी आई थी तेज़ी बाद स्प्लिट बोनस आया था बोनस के बाद नीचे आया तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हाँ वैसे आप बने रह सकते हैं एस के फॉर्म में आपकी कॉस्ट के नीचे आए तभी करिएगा अपनी कॉस्ट के ऊपर जाके एस मत करिएगा एटलीस्ट डिविडेंड भी मिल जाता है ठीक ठाक तो आप आराम से बने रह सकते हैं एसआईपी नीचे करिएगा बस <coughs> दिलीप बिल्डकॉन मिस्टर मित्रा सर ये थोड़ा मतलब इस कंपनी का मैं भी थोड़ा निराशी हुआ था सात सौ चालीस रुपये पे खबर आई थी एक दैनिक एक, एक एक, एक चैनल नहीं चलाई थी कि इसमें अदानी ग्रुप हिस्सा ले सकता है वो सात सौ चालीस उसी दिन का टॉप था और उसके बाद आज ये एक सौ अस्सी रुपये दो सौ रुपये की रेंज में कहीं घूम रहा है तो सिचुएशन तो बहुत खराब हुई इस कंपनी की विद टाइम लेकिन इंफ्रा कंपनी है तो ये मोमेंटम के लिए ही रखिएगा लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए इंफ्रा में सिर्फ एक एल को ही नजर रखिएगा एल एन टी सीमेंट्स ये कैपिटल गुड्स कंपनीों पर ही नजर रखिएगा क्योंकि इंडिविजुअल किसी भी इंफ्रा कंपनी ने लॉन्ग टर्म में शायद पैसा नहीं बना बनाकर दिया है एन को तो देखते हुए 20 साल हो गए होंगे 15 साल तो हो ही गए मुझे देखते हुए उसने कुछ खास पैसा नहीं बनाया तो इस तरह ही कंपनियों में आप मोमेंटम के लिए रखिए तेज़ी मिले पैसा बन जाए निकल जाए ज़्यादा बेटर है टी सी एस तीन हज़ार इकहत्तर अल्ट्राटेक त्रेसठ पैंसठ आई सी एस आई सत्तानवे क्या करें अमित जी तीनों अगर आपकी कॉस्ट के नीचे मिल रहे हैं जो मुझे एक दो दिख भी रहे हैं ऐड करते रहिए चाहे वो टी सी एस हो चाहे वो अल्ट्राटेक हो चाहे वो आई सी आई हो देश की सबसे बड़ी आई टी कंपनी देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी और देश का सबसे बड़ा बैंक आपने लिया है अगर ये देश में इतनी बड़ी कंपनीज ही नहीं सर्वाइव करेंगे तो क्या सर्वाइव करेगा अंदाजा लगा ही लीजिए आप खुद खाली टी सी एस को लेकर ये नहीं बोलता मैं हमेशा कि अल्ट्राटेक भी मतलब आपके मस्ट हैव पोर्टफोलियो का हिस्सा है तीनों टी सी एस अल्ट्राटेक और आई सी आई सी आपने बहुत ही बढ़िया कंपनियों का चुनाव किया है किसी भी फॉल में मिलता रहे आप आराम आराम से ऐड करते रहे इसमें कोई क्वालिटी को लेकर रिस्क नहीं है आपके सामने आपकी क्वांटिटी कितनी बड़ी कर सकते हैं इसमें वो भी कोई रिस्क नहीं है मतलब एक एक म्यूचुअल फंड के पास करोड़ों करोड़ों शेयर हैं इसके तो आप आराम से इसी क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं क्वालिटी को भी ऐड कर सकते हैं कोई इशू नहीं तीनों को लेकर ही चलो फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा जाने से पहले वर्लपूल एंड इलेक्ट्रिक आज नेगेटिव रहा जबकि फेस्टिव आने वाला है सर ये फेस्टिव ट्रिगर के तौर पे पर एक इंडिविजुअल ट्रिगर के तौर पे तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि ये बहुत ही इमीजिएट ट्रिगर है और वर्लपूल सर्दी के प्रोडक्ट बनाता है अगर आप मिस कर रहे हैं तो आ, एक फ्रिज के अलावा है वॉशिंग मशीन के अलावा स्वेटर तो आप फिर वोल्टास ही देख लेते हैं अगर आपको जाना ही है कंज्यूमर ड्यूरेबल में वी गार्ड देख लीजिए हेवल्स देख लीजिए पोली कैप देख लीजिए टी टी के देख लीजिए ये सब वो नाम है जो कि दिवाली में इस्तेमाल होते हैं और रही बात ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तो फैन में ओरिएंट इलेक्ट्रिक क्यों हैवल्स नहीं ले लेगा आदमी तो बेटर है प्लेयर पे जाना तो लार्जेस्ट प्लेयर पे जाइए मिड कैप में क्यों जाने में आप रखते हैं इच्छा अपनी बाकी वर्ल्ड पूल इज मल्टी नेशनल तो उसमें कोई इशू नहीं है आप आराम से बने भी रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी चले इतने ही सवालों को शामिल करूँगा माफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए आप सब सोमवार को मुलाकात होगी अगले छमाही में नेक्स्ट इसी वित्त वर्ष की और तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड एट द रेट सुमित्र रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है नमस्कार